गोरखपुर के उत्तरी जटेपुर के रहने वाला एक परिवार कई वर्षों से मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए का पूरा परिवार ताजिया बनाता चला आ रहा है और उनके इस ताजिया बनाने के काम में उनका परिवार और मोहल्ले वाले उनकी भरपूर मदद करते हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में सदर आलम अंसारी ने बताया, हमारी 5वीं पीढ़ी से चल रही है और हमारे पिताजी के बाबा के जमाने से चल रहा है और एक से एक नायाब रोजा यहाँ पे बनाया गया है। एक दौर है, आज से 10-15 साल पहले हमने हूबहू ताजमहल का नक्शा बनाया था, उसके बाद मस्जिद मनवरा बनाया, हरम शरीफ बनाया। जहन में ये हमारे आया कि जिसकी याद में यह त्यौहार है, जिसकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, हजरत इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह तसल्लम की याद में यह मुहर्रम का त्यौहार है। अभी तक पूरा मुकम्मल इस शहर गोरखपुर में किसी ने उनका रोजा नहीं बनाया। हमारे अंदर जज्बा हुआ, जुनून हुआ कि एक बार हम सरकार का रोजा हूबहू बनाने की कोशिश करें। जज्बा हमें सरकार से मिलता है, इमाम हुसैन से मिलता है जज्बा कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। उनके ही मर्जी से हमने उनके अकीदा किया और उन्होंने हमें जज्बा दिया कि हमने करबला का हूबहू नक्शा बनाने की कोशिश की ताकि गोरखपुर शहरवासियों को करबला का पूरा नक्शा दिखाया जा सके। यह हमारी बहुत ही दिनों से इरादा थी कि हम हूबहू करबला बनाएं। अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से हमने करबला का हूबहू नक्शा बनाने का कोशिश किया है। अगर 100% नहीं उतरेगा तो 95% उतरने का मेरा दावा है कि हूबहू करबला शरीफ ये बना है। ये ताजिया तो अंग्रेजों के ज़माने से बैठ रहा है, जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय से हमारे बाबा यहाँ ताजिया बैठा रहे हैं, बाबा के पिताजी के ज़माने से। क्या इतिहास है, किन की याद में बैठाया जाता है? ये सरकारी इमाम हुसैन रजी अल्लाह वसल्लम के याद में बैठाया जाता है। ये 4 महीने से तैयारी चल रही है इसकी। क्या आप अकेले करते हैं कि इसमें और? नहीं, इसमें 3-4 लोग हैं। मेन कलाकार हमारे ये भाई कलाकार ये हैं और इनकी देख रेख में संरक्षण में 4-5 लोग मिल के इसकी तामीर कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अब्दुल कादिर। तो ये यहीं आपके ही साथ रहते हैं कि? हाँ, बगल में मोहल्ले में ही रहते हैं, मित्र हैं हम लोग के दोस्त। इन्होंने भी साथ में मन्नत मांगी है कि आप लोग जो है? नहीं, मन्नत तो हम लोग का ये पुश्तैनी है, कोई मन्नत नहीं है, ये पुश्तैनी परंपरा है कि जब तक जिंदगी रहेंगी हमारे बाद हमारे बच्चे इस ताजिया को बैठाएंगे। ये खानदानी परंपरा चलते आ रही है, ऐसा नहीं है कि आज बन गया कल नहीं बनेगा, किसी साल बड़ा बनेगा रोजा तो किसी साल छोटा बनेगा, लेकिन ये पुश्तैनी है। जैसे हम बाप दादा के ज़माने से बचते आ रहे हैं, हमारे न रहने के बाद हमारे बच्चे इसको अदा करेंगे, हमारे बच्चे ताजिया बैठाएंगे। क्या नाम पड़ता है आपका पूरा? हमारा नाम सदर आलम अंसारी है।